Hello students, so I am Kamal Singh, CLC Maths faculty. Today we are going to solve JEE main paper which was held on 7th January. So first question is, if gx is equal to x square plus x minus 1 and go of x 4x square minus 10x plus 5, then f of 5 upon 4 is equal to. So this is the composite function. So 4x square minus 10x plus 5. So then we have to find out f 5 upon 4. So simply, so first we write down the go of x. Which is go of x is the 4x square minus 10x plus 5. So this is g of fx 4 x square minus 10x plus 5. Clear? So now function gx is given to you, x square plus x minus 1. So simply we have put here fx. So fx whole square plus fx minus 1 4 x square minus 10x plus 5. Now you have, we have to find out hame kya nikalna hai, f of 5 upon 4. Ab x ki jagah hum kya rakhenge yahan pe, 5 bade 4 rakhenge. To yahan pe kya aayega aapke paas mein, f of 5 upon 4 whole square plus f of 5 upon 4 minus 1 4 5 upon 4 whole square minus 10 5 upon 4 plus 5. जब हम इसे सॉल्व करते हैं सारे को कंप्लीट को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा इस फॉर्म में. तो fx plus 1 upon 2 whole square equal to 0. तो इस तरीके का ये हमारे पास में एफ एक्स प्लस वन अपॉइंट टू होल स्केयर के फॉर्म में आएगा. तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू. सो आवर वन करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. सो नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट पी बी ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 1, 0, 4, 1, 1 एंड 5, 0, 1 एंड आर बी एनी पॉइंट 2, 1, 6. सो देन द इमेज ऑफ द आर इन द प्लेन पी. तो पहले सबसे पहले हम क्या प्लेन पी का इक्वेशन निकालेंगे जो कि इस प्रकार है. x माइनस 2 y माइनस 1 z माइनस 0. सो 4 माइनस 2 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0 एंड 5 माइनस 2 0 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0. तो ये हमारे पास में प्लेन का इक्वेशन आएगा. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में, तो इसको फिर आगे दोबारा देखें तो y माइनस 1 z 2 0 1 3 माइनस 1 1. अब ये प्लेन आपके पास में x माइनस 2 सो 2 माइनस 3 तो प्लस 1 आएगा. y माइनस 1 सो माइनस 2 इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में x प्लस y माइनस 2 z माइनस 3 इक्वल टू 0. अब इस प्लेन में हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है. तो जस्ट क्या, वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला. x माइनस 2 अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 1 z माइनस 6 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू इज इक्वल टू हमारे पास में सिंपल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस प्लेन में रखेंगे माइनस 2 सो 2 प्लस 1 माइनस 12 माइनस 3 अपॉन 6. तो ये यहाँ से आपके पास में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में ये 4 आएगा यहाँ से जस्ट 4.
So x minus 2 upon 1, y minus 1 upon 1, z minus 6 upon minus 2. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो 3, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 6, 5, माइनस 2. तो ये आपके पास में पॉइंट आर का रिफ्लेक्शन हो गया. तो आंसर इज थर्ड वन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, तो ये समीकरण निकाय है, तो आपके पास में ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, इसमें ए बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग द नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो इनका नॉन जीरो सॉल्यूशंस है एंड डिस्टिंक्ट, तो हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन. तो फॉर हमें ये पता है कि नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए, तो इसके जो तीनों जो ये आपके पास में इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके गुणांकों से बनने वाली सारणी का मान हमारे पास में जीरो के इक्वल होना चाहिए. तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2, 2a, a, 2, 3b, b, 2, 4c, c, इसकी वैल्यू हमारे पास में जीरो के इक्वल है. अब इसमें हम क्या दो ऑपरेशन लगा देते हैं, आर थ्री माइनस आर टू एंड आर टू माइनस आर वन. तो इसमें जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये सिंपल हमारे पास में डिटरमिनेंट किस फॉर्म में आ जाएगा. सो 2, 2a, a, 0, सो 3b माइनस 2a एंड b माइनस a 0, 4c माइनस 3b एंड c माइनस b. इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास में ये किस फॉर्म में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2ac माइनस bc माइनस ab इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास में जस्ट डायरेक्ट इसमें आंसर मिल जाएगा. तो आपके पास में b बराबर किसके इक्वल आया, 2ac अपॉन a प्लस c. तो हमारे पास में abc किस में हो गए, hp में, abc आर इन hp. तो 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c आर इन ap. तो करेक्ट आंसर इज थर्ड वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द डेफिनेट इंटीग्रल. तो हियर वी हैव द फंक्शन इज इफ एफ ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, वेयर ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. तो ये एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, तो हमारे पास में हमें क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ये हम इसे आई से रिप्रेजेंट कर लें सिंपली पहले. तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, 1 अपॉन ए प्लस बी हैविंग लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस 1. तो ये इस तरीके से निश्चित समाकलन है. अब इसमें हम क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, किंग रूल बोलते हैं जिसे, जैसे ये वाले सिंपल आपको ये प्रॉपर्टी पता है, दिस इज इक्वल टू डेफिनेट वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज इक्वल टू, फर्दर वी हैव ये इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो इसमें प्रॉपर्टी जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आ गया, वन मतलब डेफिनेट इंटीग्रल आई की वैल्यू ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. सो इधर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस वन माइनस एक्स, इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू आ गई. ये फंक्शन, ये डेफिनेट इंटीग्रल इस टाइप का बन गया. अब इसकी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन टू यू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे. तो इसमें देखो आपके पास में 1 अपॉन ए प्लस बी
a plus b minus x. So, f of a plus b minus x, and this is f x. अब इसमें देखो आप x की जगह, इसमें x की जगह अगर मैं 1 plus x रखता हूं, इसमें x की जगह अगर हम 1 plus x रखते हैं, तो हमारे पास में ये किसके बराबर आता है, f a plus b plus 1, तो 1 plus x रखा, तो ये is equal to f of 1 plus x, तो ये आपके पास में सिंपली किसके बराबर हो गया, f of a plus b minus x is equal to f of 1 plus x, इस फॉर्म में आ गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास में देखो f of a plus b minus x की वैल्यू हमारे पास में f 1 plus x आ गई, तो इसमें हम क्या है f of 1 plus x रख देंगे, तो इसमें ये किसके इक्वल आएगा आपके पास में, f of 1 plus x plus f x, तो जो ओरिजिनल हमारे पास में कुछ क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग में ये, तो कुछ पार्ट इसमें देखो यहां से 1 अपॉन a plus b डेफिनेट इंटीग्रल a plus b minus x, इस पार्ट को जब आप अलग करेंगे तो हमें दोबारा i मिलेगा, जब दोबारा i मिलेगा तो उसको हम i रख देंगे, तो हमारे पास में ये किस फॉर्म में बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगा, इनटू a plus b, इसको जब अलग अलग करेंगे f of 1 plus x plus f x, तो ये सेकंड पार्ट जो है आपके पास में, तो 1 upon a plus b having, this is the definite, having the limit from a to b minus x, this part is i, clear है? So further, so this we have 2i a to b f of 1 plus x plus fx, तो अब इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें देखो हम क्या है, इसको फिर वही फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे, तो यहां पे क्या है, x की जगह a plus b minus x जब रखेंगे तो ये आपके पास में इस पार्ट में, तो इसको अलग अलग कर लो, सो दिस वी हैव फर्दर f of a plus b plus 1 minus x, this is given to you equal to fx, so what result we have here, so this you can write down 2i of f fx, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर ट्वाइस ऑफ दी दिस डेफिनेट इंटीग्रल, सो वी हैव टू टू गेट्स कैंसल, सो अब इसको x की जगह आप इसमें x प्लस, इफ यू पुट x इज इक्वल टू t प्लस 1, तो t प्लस 1 जब इसमें रखेंगे तो ये आपके पास में किस फॉर्म में बनेगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल किस फॉर्म में आ जाएगा, इसमें जब लिमिट लगाओगे तो आप x इज इक्वल टू है तो कहां से कहां तक इसकी लिमिट वेरी करेगी, a माइनस 1 टू b माइनस 1, सो वी हैव दिस डेफिनेट इंटीग्रल, सो वैल्यू ऑफ दिस i इज इक्वल टू दिस वन, सो बाय चेंजिंग द वेरिएबल सो वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज, ये बदलती नहीं है, तो आपके पास में ऑप्शन इज क्या है, द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द फंक्शन f having the domain minus 7 to 0 to r be continuous on this interval and differentiable on this interval if f of minus 7 is minus 3 and f dash x is less than equal to 2
for all x belongs to minus 7, 0. Then for all such functions of f, f of minus 1 plus f 0. So we have to find out the range of this value, this function. So actually, mein ye jo function aapko diya hua hai, isme ye function kya hai? Is interval pe continuous hai aur is pe differentiable hai. So actually, mein agar apne is question ko dekhen, to ye continuous aur differentiable dono bol raha hai. So continuous kis pe keh raha hai? Closed interval pe. Aur differentiable kis pe keh raha hai? Open interval. So ab isme aur saath mein aapko f dash x ki value kya keh raha hai? Less than equal to 2 keh raha hai. To isme hum kya hai? LMVT ka agar use karein, to Lagrange's mean value theorem ka, to usme uski help aap lenge, uski hum help lenge jisse aapko iski range mile. To aapko pata hai ye function kya hai? Continuous hai aur differentiable hai. Continuous in this interval and differentiable over this. To pehle apne kya hai, jisse dekho agar yahan pe jo pucha hai isne f of minus 1 plus f 0. तो हम क्या है पहले एक पॉइंट वो यूजिंग द एलएमवीटी ठीक है किसमें इन इंटरवल माइनस 7 माइनस 1 इस इंटरवल में यूज कर लेते हैं जो फंक्शन इज कंटिन्यूस ओवर दिस इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ओवर दिस तो कोई भी इस इंटरवल का पार्ट ले ले तो अब इसमें using the LMVT in this interval. So f of minus 1, f of minus 7 upon minus 1 minus 7. So this is equal to f dash x. So we have f of minus 1, this is plus 3 upon 6. So its value is less than equal to 2. So simply this is less than equal to 2. So here 12, f of minus 1 plus 3 less than equal to 12. So this we have f of minus 1 is less than equal to 9. So ye humne kya pehle f minus 1 ki range nikal li. So this is less than. So further we have to find out the f 0. So ab hum kya fir LMVT lagayenge kis interval mein again using LMVT. In minus 7, 0. So this will be f of 0 minus f of minus 7 upon 0 minus 7 is equal to f dash x. So this we have f 0 plus 3 is the value. So this is 7. Less than equal to 2. So this we have f 0 is less than equal to 11. So we add these two. In dono ko hum add karenge jab aapke paas mein kya aega? F of minus 1 plus f of 0 is less than equal to 20. So range of this f of minus 1 plus f of 0 is less than equal to 20. So our answer is here minus infinity to 20. So this is the first option. So next one, if the distance between the foci of an ellipse is 6 and the distance between their directions is 12, so then length of its lattice rectum. So hamare ko kya hai, dirghvrat ki nabiyon ke beech ki duri di hui hai 6 hai aur उनकी डायरेक्ट्रिक्स की उनकी नीताओं के बीच में दूरी दी हुई है 12. तो अपने पास में जस्ट वी हैव अप्लाई द डायरेक्ट फार्मूला. सो 2 ए ई इक्वल टू 6 एंड डिस्टेंस विद द डायरेक्ट्रिक्स इज 12. सो 2 ए अपॉन ई इज 12. तो यहां से आप क्या करोगे, 2 ए की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दें. सो ई विल बी हेयर 2 ए इज इक्वल टू 12 ई. So E will be here 1 upon root 2. हमारे पास में जो eccentricity है वो आपके पास में E is equal to 1 upon root 2 आ जाएगी. अब E की हमें value पता लगे तो इसमें रखेंगे तो आपके पास में, so what is the A we have, तो A आपके पास में इधर, तो 2A 1 upon root 2
2 a 1 upon root 2 is equal to 6. So, just behave, this is a is equal to 6 upon root 2, clear hai? So, ab isko apne simply way aage, further we can write down a is equal to 3 root 2. Now, we have to find out the length of lattice rectum. So, b ki value apne ko nikalni padegi isme b ki. So, b square nikal lo. B square is equal to we have a square 1 minus e square. So, a square we have equal to a square ki value 9 into 2 here 1 minus 1 upon 2. So, b square we have this is equal to 9. So, length of LR, length of lattice rectum. So, 2b square upon a. So, what is that b? 9. And what is a? A, we have 3 root 2. So, our length of the lattice rectum is 3 root 2. So, correct answer is third one. So, next question. The logical statement P implies Q and Q implies negation of P is equivalent to. तो हमें ये बताना है कि ये statement किसके equal होगी. तो हम क्या एक truth table इसका prepare कर लेते हैं. तो according to truth table you can find out the its correct answer. तो truth table अगर अपने prepare करें, तो देखो किस form में आएगा. T T F F T F T F. So, P implies Q. पहले हम इसका truth, इसकी truth value निकाल लेते हैं. तो P implies Q. So, this will be T F T T. So, further negation of P. First, we find out negation of P. तो P का negation निकालें. तो आपके पास में negation of P will be equal to here. F F T T. Now Q implies negation of P. So Q implies negation of P. So this is F, this is T, and this is T. Now this is T. Clear? So this we have Q implies negation of P. So, Q implies negation of P, this is F, this is T, this is T, this is T. So, this is equal to what? So, logical statement. So, this must be. Now, first we find out the negation of P. Ab isme aage hume in dono ka intersection lena hai, iska aur iska. So, P implies Q, intersection, Q implies negation of P. तो ये आपके पास में इन दोनों का intersection F, this is F, this is T, this is T. So, if you find out the negation of P according to first option को देखेंगे, तो उसका negation अगर अपने लिखें, तो negation of P. So, this we have F, F, T, T. So, both these statement logically equivalent because their truth values are same. So, our answer to this statement is logically equivalent to this option, the first one. So, correct answer is first one. So, let alpha be a root of this equation x square plus x plus 1 and matrix A is equal to 1 upon root 3. So, matrix A is given to you here in this form. So, then you have to find out the value of A raised to power 31. मतलब actual में alpha क्या है? वो इस equation का root है. तो alpha अगर इसका root है, तो हमें ये पता है, this equation always has the complex root, imaginary root. तो इसके root हमारे पास में omega, omega square होते हैं. तो इसके root x square plus x plus 1 is equal to 0. Alpha we can take is equal to omega. So, this is minus 1 plus iota root 3 upon 2.
or you can take minus 1 minus iota root 3 upon 2. So, in place of alpha, we can put here omega. So, A is equal to A 1 upon root 3, 1 omega square. Omega raised to 4 will be omega. So, again we find out the A square. If we find out A square, so just we have, this will be 1 upon 3 and 1 omega square omega. Clear? So, similar, same matrix will be there, 1 omega square omega. So, if you multiply these two, so in first element will be 3 and second one will be 0. So, this product will be here in this way. So, 3, 0, 0. So, again this is 0. Here we have, so 1 omega square omega, so again 0. So, here we have 1 omega cube is here 3 and again this is 0. So, 1 omega cube, this is 3 and here we have 1 plus omega square, this is 0. Clear? So, if you further multiply, this we have equal to in this way. So, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. तो हमने क्या है matrix A को जब दो बार multiply किया तो हमारे पास में इस form में matrix आ गई. अगर आप इसको दोबारा multiply करोगे A square यानी A raised to 4 अपने निकालेंगे तो हमारे पास में जब दोनों matrix को ऐसे को multiply करोगे तो हमारे पास में ये एक इकाई matrix आता है. So, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. इस फॉर्म में ये इकाई मैट्रिक्स बनेगा. अब हमारे पास में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? A raised to 31 की. तो, A raised to 31 को देखो आप सिंपली किस फॉर्म में लिखेंगे? A raised to 31, this we can write down. A raised to 4, whole raised to 7 and A cube. तो, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई. ठीक है, तो सिंपली ये किसके इक्वल आएगा आपके पास में? A क्यूब के. सो वैल्यू ऑफ दिस A raised to 31 इज A क्यूब. सो आवर करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन. इफ y इज इक्वल टू y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सो दैट द y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक है क्वेश्चन है. अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो अगर आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को देखें तो सिंपलेस्ट ये सिंपल फॉर्म में है. तो इसको देखो किस तरीके से आप लिखेंगे e raised to y dy upon dx minus 1 is equal to e raised to x. इस फॉर्म में लिखा तो dy upon dx minus 1 e raised to x minus y. इस फॉर्म में लिख दिया मैंने. अब इसमें क्या है इसको अपने अज्यूम कर लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू t. सो दिस विल बी 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स तो डी टी अपॉन डी एक्स. तो ये आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये किस फॉर्म में देखो एग्जैक्ट मतलब क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा. तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जब आना आएगा तो बिल्कुल ईजी वे में मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 ई रेस्ट फॉर टी. तो सिंपली दिस विल बी इक्वल टू माइनस सो इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा ई रेस्ट फॉर माइनस टी हियर एक्स प्लस सी. तो टेकिंग लॉग लॉग लेंगे तो माइनस टी लॉग ऑफ एक्स प्लस सी. तो टी की वैल्यू
यहाँ पे टी की वैल्यू आपके पास में एक्स माइनस वाई है, सो दिस इज माइनस एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस सी. अब हमें कंडीशन दी हुई है कुछ, एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो वाई इज जीरो, सो यू हैव टू फाइंड आउट द एफ वाई ऑफ वन. इसमें एक्स इज इक्वल टू जब जीरो रखेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू जब जीरो रखते हैं इसमें, एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो वाई इज जीरो. क्लियर है? तो अब अपने पास में जब x इज इक्वल टू जीरो वाई जीरो हो गया, तो इसमें log c इज इक्वल टू वी हैव जीरो, log c इज इक्वल टू जीरो, सो c इज इक्वल टू वी हैव वन. तो c की वैल्यू हमारे पास में वन आ गई. तो अब अपने पास में y किसके इक्वल आ गया, y x प्लस log x प्लस वन. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y ऑफ वन, सो पुट x इज इक्वल टू वन, पुट x इज इक्वल टू वन. तो आपके पास में ये किस फॉर्म में आएगा, वन प्लस log टू. तो सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू वन. सो आवर करेक्ट आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन. द टोटल नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स इन विच द ओनली वन एंड ऑल फाइव डिजिट्स 1, 3, 5, 7 and 9 अपीयर. तो यू हैव टू फॉर्म द सिक्स डिजिट नंबर इन विच ऑल दीज डिजिट्स मस्ट अपीयर. सो देर आर द फाइव डिजिट्स गिवन टू यू. हमें क्या पांच डिजिट दिए हुए हैं, तो पांच डिजिट दिए हैं, तो एक डिजिट इनमें अवश्य ही क्या रिपीट होगा. तो क्योंकि हमें क्या है, छः डिजिट का एक नंबर बनाना है, अगर छः डिजिट का एक नंबर बनाना है तो उसमें एक डिजिट अवश्य ही क्या है, वन डिजिट विल बी रिपीटेड. तो पहले हम क्या है, उसमें से पांच में से कोई एक डिजिट लेंगे. तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द वन डिजिट आउट ऑफ दीज फाइव डिजिट्स, सो दैट कैन बी डन इन 5C1. क्लियर है? अब हमारे पास में पांच में से हमने एक डिजिट ले लिया, तो पांचों डिजिट तो ये लेने ही लेने हैं. तो पांच डिजिट ये हो गए, तो एक डिजिट वो हो गया, तो हमारे पास में छह डिजिट हो गए. तो छह डिजिट्स में दो डिजिट क्या हमारे पास में रिपीट होंगे. दो डिजिट जब रिपीट होंगे तो आपके पास में टोटल नंबर्स क्या बनेंगे, फिर उसमें टोटल नंबर्स विल बी इक्वल टू 5C1 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 2 क्यों, उसमें दो डिजिट हमारे पास में क्या है, सेम है, सो दे आर बीइंग रिपीटेड. सो आवर आंसर अकॉर्डिंग टू दिस विल बी 5.2 फैक्टोरियल 6. सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ए वेक्टर ए अल्फा आई प्लस टू जे प्लस बीटा के, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, लाइज इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस जे, एंड सी वेक्टर आई माइनस जे प्लस 4k, ए वेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. अब एंगल मतलब वेक्टर ए जो है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच के कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है. सो एंगल मतलब वेक्टर ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. सो वेक्टर ए कैन बी गिवन एज, ए वेक्टर विल बी गिवन एज द लैम्डा आई प्लस जे अपॉन रूट टू एंड प्लस माइनस. सो सी वेक्टर सी इज दिया, इसका यूनिट वेक्टर होगा अपॉन, सो दिस इज 16 एंड हियर वी हैव 18, सो 3√2, सो 3√2. क्लियर है? नाउ वेक्टर ए इज गिवन टू यू, सो अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के, ये वेक्टर ए गिवन है. अब अपने देखो इनमें कोफिशियंट्स को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको किसका कोफिशियंट दिया हुआ है वेक्टर ए में, जे का दिया हुआ है. तो हम क्या है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या है, जे के कोफिशियंट को ही कंपेयर करेंगे. तो इधर आपके पास में लैम्डा, इसको अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लैम्डा अपॉन रूट टू, सो 3√2, सो दिस विल बी हेयर, सो 3 4i एंड 3j माइनस 2j एंड प्लस 4k.
क्लियर है? सो यहां पे आपके पास में मैंने पहले पॉजिटिव साइन लिया है, सो पॉजिटिव साइन, क्लियर है? नेगेटिव साइन से आपके पास में क्या आएगा, नेगेटिव साइन से, तो विद नेगेटिव साइन अल्फा आई प्लस टू जे प्लस बीटा के, सो लैम्डा अपॉन थ्री रूट टू, सो विद नेगेटिव साइन यहां पे क्या आएगा आपके पास में टू आई, सो इधर क्या प्लस का हो जाएगा, प्लस फोर जे माइनस फोर के कैप। अगर हम देखो इसमें अगर नेगेटिव को अगर कंपेयर करें, नेगेटिव वाले में लेते हैं तो नेगेटिव में अगर अपने कंपेयर करके लें इसमें, तो मेरे को ये बताओ जे का कोफिशियंट यहां पे, जे का कोफिशियंट, सो बाय टेकिंग नेगेटिव साइन कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ जे, जे कैप, तो इसमें जब आप कोफिशियंट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, टू इज इक्वल टू लेमडा अपॉन थ्री रूट टू एंड इन टू फोर, सो यहां से आपके पास में टू रूट टू, सो ये आपके पास में, सो किस फॉर्म में आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू थ्री अपॉन रूट टू, ये वैल्यू मिलेगी। सो दिस फर्दर वी कैन चेक, सो थ्री अपॉन लेमडा इज इक्वल टू थ्री अपॉन रूट टू, तो अब इससे आपको क्या है, वेक्टर ए, जब लेमडा की वैल्यू पता लग गई तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से जब आप इसमें लेमडा की वैल्यू जब डालोगे तो यहां पे आपके पास में अल्फा आई कैप प्लस टू जे प्लस बीटा के कैप इज इक्वल टू, सो ये जब इसमें इसकी वैल्यू डालेंगे तो वन अपॉइंट टू हो जाएगा, सो दिस विल बी हेयर, सो वन अपॉइंट टू, सो थ्री वन अपॉइंट टू आई टू आई प्लस फोर जे माइनस फोर के कैप, सो दिस इज वेक्टर ए, क्लियर है? इफ यू टेक वेक्टर ए विल बी इक्वल टू हियर आई प्लस टू जे माइनस टू के कैप, सो ए वेक्टर डॉट के प्लस टू, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, सो आवर करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर इज ए टेंजेंट टू द बोथ पैराबोला, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एक्स एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू बी वाई, देन बी इज इक्वल टू, तो अब ये टेंजेंट है इस पैराबोला पे और दोनों पे, तो इसमें देखो अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन अपॉन एम। अब इस लाइन को हम क्या इसके साथ में कंपेयर करते हैं, तो आपके पास में वन अपॉन एम किसके इक्वल आ रहा है, फोर के, एम इज इक्वल टू वन अपॉन फोर। अब ये लाइन इस पे टेंजेंट है, जब इस पे टेंजेंट है तो इसमें आपके पास में क्या कंडीशन होती है, कोई भी लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट है तो सी इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वेयर, तो C इसमें आपके पास में क्या है, वन अपॉन एम, तो वन अपॉन एम एंड A कितना है यहाँ पे, माइनस बी अपॉन टू, माइनस बी अपॉन टू, एम की वैल्यू वन अपॉन फोर वो रख देंगे इसमें, वन अपॉन फोर होल स्क्वायर, फोर यहाँ पे फोर डालेंगे, सो दिस माइनस बी अपॉन टू इन टू वन अपॉन सिक्सटीन, सो बी इज इक्वल टू वी हैव माइनस वन टू एट, सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। इफ द दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द कम्प्लेक्स नंबर, सो रियल पार्ट ऑफ दिस जेड माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू वन, सो वी आर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन, सो हमें ये दिया हुआ है कि इसका जो रियल पार्ट है वो किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो देखो इसमें तो रियल पार्ट ऑफ
हम इसे क्या है जेड वन के बराबर मान लेते हैं, तो जेड वन इज इक्वल टू तो जेड माइनस वन अपॉन टू जेड प्लस आयोटा, तो जेड की वैल्यू डालें एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन, तो टू एक्स प्लस टू आयोटा वाई प्लस आयोटा इस फॉर्म में आ गया। अब इससे जेड वन इसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन अपॉन तो टू एक्स प्लस आयोटा टू वाई प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस आयोटा टू वाई प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस आयोटा टू वाई प्लस वन। तो इसमें से अपने को सिर्फ रियल पार्ट देख लेते हैं, हमने इसका रियल पार्ट निकाल लेंगे, तो रियल पार्ट ऑफ जेड वन, रियल पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू वन। तो इसमें देखो सिंपल आपके पास में पहले ऊपर क्या आएगा टू एक्स एक्स माइनस वन, ये टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब इधर से ये आयोटा वाला जो पार्ट है इससे आपको क्या रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट मिलेगा, तो ये माइनस का आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, तो प्लस का क्या आएगा आपके पास में y, टू वाई प्लस वन, क्लियर है। बाकी में आपको इमेजिनरी पार्ट मिलेगा सारे में, देखो x माइनस वन जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आयोटा, तो बाकी का आयोटा पार्ट मिलेगा, तो नीचे से आपके पास में सिर्फ रियल पार्ट ही मिलेगा। तो रियल पार्ट आपके पास में क्या आएगा नीचे, तो फोर एक्स स्क्वेयर सो तो टू माइनस ये माइनस आयोटा स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस टू वाई प्लस वन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, क्लियर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में तो सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, एक सर्कल का इक्वेशन, जो सर्कल का इक्वेशन कैसा आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन अपॉइंट टू एक्स प्लस थ्री अपॉइंट टू। चलो निकाल लेते हैं, हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई, सो दिस इज फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर वाई स्क्वेयर प्लस फोर वाई प्लस वन। सो तो सिंपल ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई आपके पास में, टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर सो प्लस थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन। तो अब हमारे पास में जो जेड का जो लोकस मिला है वो हमारे पास में एक सर्कल आ गया, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। तो अब इससे ये एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर हमारे पास में क्या है माइनस थ्री अपॉन जीरो माइनस थ्री अपॉन टू, तो इसमें अपने पास में सेंटर वाला तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्लियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब अपने पास में स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज ये भी नहीं है, तो मेन अब ये ऑप्शन बचता है, तो इसका अपने रेडियस निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज इट्स रेडियस, सो रेडियस वी हैव सो वन नाइन बाई फोर एंड प्लस माइनस वन अपॉइंट टू, तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सो इट्स दिस विल बी इक्वल टू रूट फाइव अपॉन टू, सो आवर करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है सिंपल ये। तो इसमें गिवन क्या है एक्स रेस्ट पर के प्लस वाई रेस्ट पर के इज इक्वल टू ए रेस्ट पर के, सो ए के बोथ आर पॉजिटिव एंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स होल रेस्ट पर वन अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो फर्स्ट हम क्या है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो डिफरेंशिएट किया तो क्या आया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा आपको के एक्स रेस्ट पर के माइनस वन प्लस के वाई रेस्ट पर के माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये जो हमारे पास में जो फॉर्मेट दिया हुआ है आपको इसको भी इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, तो इसके इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के बाद में इसको कंपेयर कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। तो देखो dy अपॉन dx k
किस फॉर्म में आ रहा है, माइनस एक्स अपॉन वाई रेस्ट पावर के माइनस वन. अब इसको आप वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में इधर लाएंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. तो इसकी पावर जो है ये नेगेटिव में होगा तो के क्या आएगा, वन माइनस के इज इक्वल टू जीरो. नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद दिस. सो वन माइनस के इज इक्वल टू वी हैव वन अपॉन थ्री. सो के इज इक्वल टू वी हैव टू अपॉन थ्री. सो आवर करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k फॉर विच दी दिस 49 रेस्ट पर k प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दी दिस सम. क्लियर है, दिस इज नाउ हियर वी हैव gp, एक gp है. तो इसमें हाउ मेनी टर्म्स, देर आर 126 टर्म्स, इसमें 126 टर्म्स हैं. तो अपने gp का पहले इसका सम का फार्मूला लगा दें जिसमें इसका सम निकाल लेते हैं. सो 1 प्लस 49 एंड सो ऑन, सो अप टू 49 रेस्ट पावर 125. सो व्हाट विल बी इट्स सम, सो दैट विल बी 49 रेस्ट पावर. सो व्हाट इज कॉमन रेशियो, 49. नंबर ऑफ टर्म्स 126. फर्स्ट टर्म इज 1. सो दिस इज 126 माइनस 1 अपॉन 49 माइनस 1. सो दिस वी हैव 49 रेस्ट पावर 63 माइनस. इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टर करने पे हमारे पास में क्या आ रहा है. सो 49 रेस्ट पावर 63 प्लस 1 अपॉन 48. तो इसमें सम फाइंड आउट करने के बाद में इसके फैक्टर कर लिए. तो अब इसमें देखो, अपने को ये पूछा है कि ये जो सम है इससे डिविजिबल है 49 रेस्ट पावर के प्लस 1 से. तो हमारे पास में 49 रेस्ट पावर 63 प्लस 1 ये उस फॉर्मेट का है. तो k की आपके पास में वैल्यू क्या हुई, k की यहाँ से वैल्यू. सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 63. सो आवर करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन. तो नेक्स्ट वन. सो फाइव नंबर्स आर इन AP हूज सम इज 25, प्रोडक्ट इज इफ वन ऑफ दीज फाइव नंबर्स इज माइनस वन अपॉन टू देन ग्रेटेस्ट नंबर अमंग अस देम इज. तो हमारे पास में ये AP का सिक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है. इसमें आपको क्या है, पांच टर्म्स किस में दे रखे हैं AP में, उनका सम कितना दे रखा है 25, एंड प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 25 टू 0. इफ वन ऑफ दीज फाइव नंबर्स माइनस वन अपॉन टू है, तो अपने पहले क्या है नंबर लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स बी ए माइनस डी ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी. अब इन सभी नंबर्स का सम कितना दे रखा है 25, तो सम कितना आएगा आपके पास में 25. सो दिस वी हैव 5a इज इक्वल टू 25. क्लियर है. सो a इज इक्वल टू वी हैव 5. अब नाउ फर्दर इट इज गिवन टू प्रोडक्ट इज 25 टू 0. सो प्रोडक्ट में आप इसमें देखो a माइनस टू डी, प्रोडक्ट में हमारे पास में क्या आएगा a प्लस टू डी एंड a माइनस डी a प्लस डी a. दिस इज 25 टू 0. सो अब इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें d की वैल्यू निकालनी है. तो d की वैल्यू निकाल लेंगे तो d की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने को इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है इस सीक्वेंस का. अब उसमें कह रहा है कि उसका वन आउट ऑफ दीज फाइव टर्म्स, तो देर इज अ वन टर्म इज माइनस वन अपॉन टू इस फॉर्म का है. तो अपने पास में ये ए स्क्वेयर माइनस फोर डी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर. ए की वैल्यू जब हम यहाँ पे फाइव रखेंगे तो यहाँ पे फाइव इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा 504. अब इसको ए की वैल्यू यहाँ भी डालेंगे तो अपने पास में 25 माइनस फोर डी स्क्वेयर एंड 25 माइनस डी स्क्वेयर. सो दिस विल बी 5. सो 25 फोर डी स्क्वेयर एंड 25
minus d square. So this we have 504. तो सिंपल, अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से देखो 4, ये कितना आएगा, तो इसमें 625 माइनस 125 डी स्क्वेयर प्लस 4 डी रेशो 4. अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास में एक तो क्या आएगी, 121 अपॉन 4. क्लियर है? एक डी स्क्वेयर आपके पास में, डी स्क्वेयर 1 के बराबर आएगा. तो यहां से आप क्या है, डी की वैल्यू ये रिजेक्ट करेंगे, ये रिजेक्टेड. ऐसा क्यों, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 को रिजेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास में वन ऑफ द टर्म्स क्या दे रखा है, माइनस 1/2 दे रखा है. तो इसमें से अपने वैल्यू लेंगे तो डी इज इक्वल टू यहां पे आपके पास में प्लस माइनस 11/2 आ रहा है. जब आप डी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, डी इज इक्वल टू 11/2 और ए की वैल्यू 5 लेते हैं, तो अपने पास में ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगा, ग्रेटेस्ट टर्म हमारे पास में जो ग्रेटेस्ट टर्म आएगा ए प्लस 2d. तो इसमें जब आप रखोगे तो 11 हियर 5 एंड 22 अपॉन 2 इंटू 22/2. क्लियर है? सो हियर वी हैव 27. सो ग्रेटेस्ट टर्म इज हियर 27. सो ए प्लस 2d. सो वैल्यू ऑफ ए इज 5. सो हियर 27. सो आवर करेक्ट आंसर इज 27. नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, इसमें आपको एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स. तो हमारे पास में इसमें जो पैराबोला और लाइन जो एरिया इनक्लोज करते हैं उस एरिया को हमने क्या है, सर्कल के एरिया में से निकालना है. तो वो अपने को एरिया फाइंड आउट करना है. तो अगर अपने तीनों का डायग्राम ड्रा करते हैं तो हमारे पास में पैराबोला और ये लाइन इस एरिया को इनक्लोज करते हैं. इस एरिया को, ये पॉइंट आपके पास में 1,1 है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और पैराबोला का 1,1 आ रहा है. ठीक है, तो इस एरिया को अपने को सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना है, हटाना है. तो हटाने के बाद में जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर. तो इसमें रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया इनक्लोज बाय कॉमन एरिया जो है, ठीक है, मतलब एरिया इनक्लोज बाय बाय लाइन एंड पैराबोला, उस एरिया को अपने को निकालना है. तो क्या आएगा, 2π माइनस 2π माइनस डेफिनेट इंटीग्रल हैविंग लिमिट फ्रॉम 0 to 1 अंडरूट x माइनस x. इसको जब आपने इसका डेफिनेट, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे, इसकी इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, x रेज पावर 3/2 एंड दिस इज 2/3 एक्स रेज पर 3/2 माइनस एक्स स्क्वेयर 2. तो अपने को यहाँ से लिमिट इसकी 0 से 1 है, सिंपल. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास में 2π माइनस 2/3 माइनस 1/2. इसको जब सिंप्लीफाई किया तो 4 माइनस, तो इसके एलसीएम क्या है, हियर एलसीएम 6 इज. इसको अपने जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में इस फॉर्म में आ जाएगा, तो 1/6 इसका 1/6 बनेगा यहाँ से. तो ये आएगा 12π
minus 1. So, here we have answer to this question is the first one. So, iska answer iska pehla ho gaya. So, next one. So, a trigonometry ka question hai, bilkul simple sa question hai. Isme let alpha and beta be the two real roots of the equation. So, equation is 1 plus k plus 1 tan square x minus root 2 lambda tan x is equal to 1 minus k, where k not equal to minus 1 and lambda are real numbers. So, value of the tan square alpha plus beta is given to you 50. So, alpha beta is equation ke roots hai. So, tan alpha and tan beta will be roots of the, so tan alpha, to apne paas mein tan alpha and tan beta are roots of given equation. So, given equation ke roots hai, to sum kya aayega inka dono ka? So, tan alpha plus tan beta. So, tan alpha plus tan beta. So, root 2 lambda upon k plus 1. And product kya aayega? So, product of roots. So, equation ko dekhte huye. So, ye minus ka hai, minus 1 minus k upon k plus 1. इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो k minus 1 upon k plus 1. तो अब अपने को हमें पूछा है कि tan square alpha plus, तो tan alpha plus beta, तो tan alpha plus beta इसमें, तो tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. अब इसमें जब आपने वैल्यू रखेंगे तो 2 lambda upon k plus 1, इधर क्या आएगा आपके पास में, इसमें की वैल्यू डालेंगे तो k से k कटेगा, तो आपके पास में ये सिंपली दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट 2 लैम्डा अपॉन 2, इस फॉर्म में आएगा, इसकी वैल्यू ये मिलेगी. तो यहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वी हैव 50, इसमें इसकी वैल्यू डालो, सो दिस विल बी 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 50. So, this we have lambda is equal to plus minus 10. So, correct answer is 10. So, next one. So, an unbiased coin is tossed 5 times. Suppose that the a variable x is assigned the value k. This question is belongs to the probability. The probability ka question hai, simple sa question hai. So, is assigned the value k when k is consecutive. Heads are obtained for k is equal to 3, 4, 5. Otherwise, x takes the value minus 1, then expected value of x is. So, ab isme aapko question mein kya given hai? So, coin is tossed 5 times. And for when there are 3 consecutive heads are obtained. So, and 4 heads are obtained. 5 heads are obtained. So, their value of x is, value of the variable x is assigned the value of k. So, k ki values kya aayegi aapke paas mein 3, 4, 5 hi rahegi. So, if you are getting no consecutive heads, no 2 consecutive heads, so then in that case the value of k is taken as a minus 1. So, if you form a table, so table ke liye jaise dekho aapke paas mein, तो मैं 4 3 हेड्स के लिए ले लेता हूं, 4 3 कंसेक्यूटिव हेड्स, 4 k इज इक्वल टू 3. सो हियर वी हैव HHHT. सो इसमें कितने केसेस बनेंगे आपके पास में, 3. सो इफ वी टेक HHH, सो TH, क्लियर है? अब इसमें आपके पास में दो केसेस बन जाएंगे, यहां पे आपके पास में 2. So, इसमें total कितने cases बने? Total, here we have 5. Clear? Now, for k is equal to 4. K is equal to 4 के लिए आपके पास में. So, here we have 2 cases. यहाँ पे 2 बनेंगे. तो इसमें total कितने बने इसमें? तो इसमें total कितने बन गए? 2. So, for k is equal to 5, k
k is equal to 5. So, cases here at 2, isme kitna number ho gaya? 1. To isme total aapke paas mein kitna ho gaya? 8 ho gaya. Ab now, when k is not equal to 3, 4, 5. तो उसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे? टोटल केसेस इन दिस केस विल बी 24. कितने केसेस बनेंगे? 24. व्हेन के इज नॉट इक्वल टू 3, 4, 5, तो टोटल केसेस कितने हुए? 24. इफ यू फॉर्म ए टेबल, अगर अपने टेबल बनाते हैं, इसमें टेबल बनाए तो इसमें देखो आपके पास में इस फॉर्म का आएगा. सो के यहां पे पी के, सो इधर भी है, वी है यहाँ पे हमारे पास में माइनस वन के लिए, इधर कितना है? 24. क्लियर है? अब इधर आपके पास में थ्री के लिए, सो इसमें 24/32, इसका 32 ले लेंगे. ठीक है, तो इधर थ्री के लिए आपके पास में, थ्री के लिए, सो वी है 5/32 एंड फोर, k is equal to 4, so 2/32 and for k is equal to 5, so we have probability, so corresponding probability we have 1/32. Clear? So now you have to find out, so sigma, so just we have to find out the sigma here, then the expected value of expected value of x, x की expected value क्या आएगी आपके पास में? Sigma k p k, so this will be equal to here -24/32 plus 15/32 and 8/32 plus 5/32. So this is the expected value of x. So this we have here 28/4/32. So 4/32. So answer is 1/8. So answer to this question is 1/8. So fourth option is the correct option. So next one. So this question is simply belongs to the differentiation. Simple question है, तो differentiation से related है. तो पहले अपने इसको क्या simplify करेंगे, इसको with the help of trigonometry, इसको trigonometry लगा कर इसको बिल्कुल simple form में बना लेते हैं. तो इसमें क्या आएगा? Y alpha. तो इसको जब आप simplify कर रहे हो, तो 2√, तो sin square alpha प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इसको क्या साइन कोस में बदलेंगे, तो इसको सेक्स स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे. तो आपके पास में किस फॉर्म में आएगा? 1/sin α cos α. प्लस दिस इज कोसेक्स स्क्वायर अल्फा, cosec square alpha. तो अब इसको अपने फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक यहां पे क्या आएगा? 2 cot alpha प्लस 1 cot square alpha. सो दिस वी हैव मॉडुलस ऑफ cot alpha प्लस 1. सो y ऑफ अल्फा, ये आपके पास में सिंप्लीफाई करने के बाद में इस फॉर्म में आ गया. अब अपने को देखो यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू 3π/4 से पाई में है, तो ये आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आपके पास में कोट अल्फा की वैल्यू 3π/4 से लेकर पाई तक क्या है? -1 से कम होती है. तो ये वैल्यू आपके पास में नेगेटिव आएगी. तो इसको अपने पहले तो -cot α -1, ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव. क्लियर है? तो मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो -cot α -1. तो अब इसमें इसका डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, सो डी वाई
upon d alpha. This will be equal to cosec square alpha. So, अपने को value निकालनी है किस पे? 5 pi by 6 पे. Alpha की value 5 pi by 6. तो इसमें cosec में जब आप 5 pi by 6 रखोगे तो इसकी value 2 का square हो जाएगा. This is 2 square. So, answer is 4. So, answer to this question is 4. So, our correct answer is third one. So, next one. The variance of the first n natural numbers is 10 and the variance of the first m even natural number is 16. Then, value of m plus n. So, as we know, the variance of the first n natural numbers is given by the n square minus 1 upon 12. So, this is given to you, 10. So, n is equal to, we have 11. After solving this, we have n is equal to 11. Now, variance of the first m even natural number is given to you 16. So, variance of the first m even natural number can be written as a, so 2 square and m square minus 1 upon 12. So, this will be equal to what? 16. So, here we have m square minus 1 is equal to 48. M is equal to 7. So, what is the m plus n? 18. So, answer to this question is 18. So, here we will have 18. The next one, let a 10, b 62 and c 3/2 6 be the vertices of the triangle ABC. If P is the any point inside the triangle ABC such that the area of the triangle APC and APB and BPC have equal areas, then the length of the line segment PQ, where Q is the point given to you. So, point P is lying inside the triangle ABC. So, point P is jo triangle ABC mein lie kar raha hai. So, hume pata hai koi, ab isme aapko ek condition di hui hai ki wo point P इस तरीके से लाई कर रहा है कि ट्रायंगल एपीसी एंड एपीबी एंड बीपीसी हैविंग इक्वल एरिया. तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट पी क्या है, सेंट्रोइड हो गया किसका, ट्रायंगल एबीसी का. तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स अपने निकालने हैं, तो वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. तो पी इज द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड. सो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 1 plus 6 plus 3 by 2 upon 3, and this we have 8 upon 3. Isko simplify kar lete hain. So, P, so here 7 and 2, 17 upon 6, 8 by 3. So, now distance PQ, PQ. So, that will be 17 upon 6 plus 7 upon 6 whole square. Now, 8 by 3 minus plus 1 upon 3. So, ye aapke paas mein 4 square aayega, yahan pe 3 square aayega. So, answer PQ is equal to 5. So, next question, 23rd. This is the question of limit. If you apply the limit, देखो इसमें अगर अपने limit लगाते हैं, तो ये आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, 9, इधर क्या हुआ 3, so 12 minus 12, तो same इधर ही नीचे के आपके पास में ये भी 0 बन रहा है, तो ये 0 upon 0 form में आ गया, तो इसमें limit extends to 2, so 3 raised power x plus 3, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 27 upon 3 raised power x minus 12. इस टर्म को मैंने इस तरीके से लिख दिया. तो यहाँ पे आपके पास में 3 रेज़ पावर माइनस x बाय 2 माइनस 3 अपॉन 3 रेज़ पावर x. अब देखो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में है, तो अपने डीएल हॉस्पिटल रूल से अगर इसको सिंपलीफाई करें, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, तो क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा बिल्कुल. सो भाई रूल, तो ये आपके पास में लिमिट एक्सटेंड्स टू 2,
जब इसका आप डिफरेंशिएट करोगे 3 रेज़ पावर x log 3 आएगा, इसका क्या करोगे जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -3 रेज़ पावर -x (log 3) आएगा, तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो वो log 2 में log 3 को हम क्या है, तो न्यूमरेटर में इसका जब डेरिवेटिव करोगे 3 रेज़ पावर x log 3 और इसका डेरिवेटिव 3 रेज़ पावर -x का क्या आएगा, -3 रेज़ पावर -x (log 3). क्लियर है? तो सेम इसी का आपने क्या है, log 3 इधर से भी आएगा, log 3 इधर से आएगा, तो log 3 को तो अपने हटा देंगे, तो इसका आपने डिफरेंशिएशन क्या बना, सो 3 रेज़ पावर x. क्लियर है? तो इसका बन गया अपने पास में 27/3 रेज़ पावर x. सो हेयर वी है -3 रेज़ पावर -x/2 ((1/2), ये 1/2 यहाँ पे, सो इधर आपके पास में +3/3 रेज़ पावर x. अब इसमें अपने लिमिट लगा देते हैं, इसको सॉल्व कर लें, तो इसको जब लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, ये 9 माइनस, सो यार हेयर वी हैव तो 9, सो 3, तो सिमिलरली इधर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ये कितना होएगा आपके पास में यहाँ पे माइनस, तो 1/6 माइनस 1/6 प्लस तो इसमें सो 1/3, सो तो सिंपली इसको कैलकुलेट थोड़ा ध्यान से देख लें, तो इसमें -2 माइनस 1/3 सो 1/6, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में सो यहाँ पे 6/ -3 माइनस 2 सो हेयर 6 सो 36, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 36. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x इन द प्रोडक्ट इज गिवन टू यू इज 61, देन n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये आपके पास में इधर ये भी एक जीपी है, इधर जीपी है, पर इसमें आपके पास में अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ है, 61 के बराबर दिया हुआ है, तो अपने इसको किस फॉर्म में, जब अगर आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस तो 1+(x)(1−x)+(x²)(x^2n), इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ पे किस फॉर्म में लिख देते हैं, a₀ a₁x a₂x², इस फॉर्म में आएंगे, तो मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है आपके पास में, x^4n इंटू में a₄n, ये तो इन सबका प्रोडक्ट आपके पास में, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 4n+1 टर्म्स हो गए यहाँ पे, 4n+1 टर्म्स, तो इसमें n+2n+1 इधर है, 2n+1 इधर है, तो ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4n+1. अब इसमें आप क्या है, x = जब इसमें x = 1 रखेंगे, पुट x = 1, जब x = 1 जब इसमें रखा हमने, तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, 2n+1, इसमें जब x = 1 रखेंगे तो अल्टरनेटिवली क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपके पास में ये 2n+1 टर्म्स हैं, तो ओनली 1 विल बी लेफ्ट देयर, तो 1 रहेगा एक, तो नेक्स्ट इधर राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या आ रहा है, a₀ a₁ a₂ a₄n, तो अगेन इसी इक्वेशन में x = -1 पुट करेंगे, x = -1 जब पुट करेंगे तो इस वाले से आपको 1 मिलेगा, यहाँ से 2n+1 मिलेगा, तो इधर आपके पास में जो जहाँ पे x की पावर ऑड है तो वहाँ पे आपको -1 मिल जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव में आएगा वो टर्म नेगेटिव में मिलेंगे, तो इधर क्या हुआ, 2n+1 a₀ - a₁ a₂ - a₃ प्लस
A4, this will continue. तो लास्ट वाला क्या है, इसमें पावर इवन है. अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे, तो जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे को पूछा क्या, इसमें सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर ऑफ एक्स. तो जब यहां पे देखो आपके पास में एक्स की पावर जीरो है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो अपने पास में जब दोनों को ऐड करेंगे हमारे को वो कोफिशिएंट्स का सम मिलेगा जिसमें एक्स की पावर क्या है, इवन है. तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 4n+1, 4n+2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड भी है 4n+2. इधर आपके पास में क्या है, 2 a0 a2 a4 a4n. सो दीज आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन. क्लियर है? सो नाउ a0 a2 a4 + a4n इज इक्वल टू बी है 4n+1. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द इवन पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन टू यू, इज गिवन टू यू 61. सो जस्ट वी हैव फाउंड दिस 4n+1 = 4n+1. सो यू हैव टू पुट दिस 4n+1 = 61. सो हियर वी हैव, सो अकॉर्डिंग टू दिस हियर, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 2n. सो 2n, सो हियर इफ यू डिवाइड दिस बाई तो 2n+1, सो n इज इक्वल टू वी हैव 30. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 30. सो नेक्स्ट वन, सो लेट एस बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स गिवन टू द मॉडुलस ऑफ 2 - मॉडुलस ऑफ x - 3, x बिलोंग्स टू r, इज नॉट डिफरेंशियबल. सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू. तो फर्स्ट भी अगर अपने इसको सिंपली अगर ग्राफ से देखें, इस क्वेश्चन को अगर ग्राफ से अगर देखें, तो सिंपल पहले हम क्या अंदर वाले पार्ट का ग्राफ बनाते हैं. तो अगर अंदर वाले फंक्शन का अगर इसका ग्राफ बनाए, सपोज करो मैं इसको जी एक्स ले लेता हूँ, तो 2 - मॉडुलस x - 3, इसके ग्राफ को देखें तो अपने पास में ये ग्राफ किस फॉर्म का बनेगा, एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री का जो ग्राफ होगा वो आपके पास में दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्स से नीचे आ जाएगा. फिर उसमें 2 ऐड किया हुआ है, तो 2 ऐड किया तो मतलब दैट ग्राफ विल बी शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन बाई 2 यूनिट. तो 2 यूनिट से वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर. ठीक है? तो दो यूनिट से जब शिफ्ट होगा तो ये एक्स एक्स को कट करेगा. जब इसमें इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यू विल हैव एक्स इज इक्वल टू 1 and x = 5. तो ये 1 पे और 5 पे ऐसे कट करेगा. तो ये 1 ये 5. अब इसका अपने को मॉडुलस लिए, अब इसका एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, सो मॉडुलस ऑफ दिस. नाउ दिस लोअर पार्ट इफ यू टेक द मॉडुलस, इसका मॉडुलस लेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन है जो लोअर पार्ट का बिलो द एक्स एक्सिस वो ऊपर की तरफ बनेगा. तो अपने पास में जो फाइनली जो ग्राफ है वो इस टाइप का आ जाएगा. ये आपके पास में ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बन गया. सो दिस पॉइंट इज हियर एक्स इज इक्वल टू 3. तो ये फंक्शन क्या है, ये फाइनली इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास में ये आ गया. अब इस फंक्शन के ग्राफ को देखते हुए हमारे पास में ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा जहां पे शार्प एजेस हैं, जहां पे कॉर्नर बन रहे हैं. तो किस किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे 3 पे 5 पे. सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, 3, 5. तो इन 3 पॉइंट्स पे ये डिफरेंशियबल नहीं है. तो अब अपने क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 इसकी वैल्यू निकालेंगे. अब पूछा गया इसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो इसकी वैल्यू पूछिए. तो इसमें कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू जैसे एफ ऑफ जिन पॉइंट्स पे ये डिफरेंशियबल नहीं है
उन पॉइंट्स की वैल्यू आपको एक्स इजिकल टू 135 सॉरी इसमें रखना है. तो जो 135 है दैट बिलोंग्स टू व्हाट, सेट एस. तो सेट एस में ये तीनों एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं. तो इसमें देखो फिर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स. तो पहले एक्स बिलोंग्स टू हियर एस, तो इसमें एफ ऑफ एफ प्लस एफ ऑफ एफ थ्री प्लस एफ ऑफ एफ फाइव. सो वन पे इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो वन पे दिस इज जीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो आएगी. सो दिस इज जीरो, एफ ऑफ जीरो. सो थ्री पे इसकी वैल्यू, थ्री पे देखें, सो थ्री पे इफ यू पुट हियर थ्री तो दिस वी हैव एफ ऑफ टू. फाइव पे एफ ऑफ फाइव, फाइव इसमें रखा, सो अगेन वी हैव दिस इज एफ ऑफ जीरो. तो जीरो पे अब इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो पे दिस वन. अगेन टू पे एफ ऑफ टू, अगेन वन प्लस वन. सो वैल्यू ऑफ दिस इज थ्री. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थ्री. ओके, थैंक यू.